अरे विनोद, दो दिन के अंदर जो है रंग दे बसंती मूवी ने इतना पैसा कमा लिया है बाबू, बताएंगे घुमड़िया गिर पड़ोगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बाकी चैनल में नए आए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो कल हमने एक वीडियो बनाया था, पहला दिन का जो कलेक्शन बताया था, लगभग हमने बताया था कि 40 से 50 लाख रुपया कलेक्शन किया होगा, लेकिन वो मेरा गणित था, अपने हिसाब से जो है गणित कर लिया था कापी किताब लेके कि हाँ इतना सिनेमा हॉल है, इतना पैसा कमाया होगा। और आज दूसरा दिन था, दूसरा दिन कंप्लीट हो चुका है, कितना पैसा कमाया है भैया, एकदम जेनुइन लेके आए हैं, नहीं हवा के ताल में ऐसा था ऊँचा था ये सब नहीं, पूरा जो है हमने एक एक बात पता किया है, उसी हिसाब से हम बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने, छोड़ के मत भागना विनोद। देखो सिनेमा हॉल लिस्ट आया है और सिनेमा हॉल लिस्ट में लगभग 200 सिनेमा हॉल उसमें दिखा रहे हैं, मतलब कुछ सिनेमा हॉल उसमें नहीं है, और बताया जा रहा है कि 250+ में चल रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से तो मान लिया हम अगर जोड़े तो उस हिसाब से जो है मूवी कलेक्शन कर रहा है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कर रहा है कि भैया करोड़ों रुपया पार हो रहा है दो दिन के अंदर, और मूवी का बजट है 7 से 8 करोड़, ये बताया जा रहा है, मतलब विकिपीडिया पे दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हो 7 से 8 करोड़ लगा ये मूवी बनाने के लिए, ऐसा लोग बता रहे हैं। और जितने भी सिनेमा हॉल हैं यूपी बिहार झारखंड, जितने भी 8-9 राज्य में चल रहा है, इंडिया के 8-9 राज्य में जो है रंग दे बसंती मूवी चल रहा है, अगर सबका कलेक्शन देखा जाए भैया है दिमाग गड़बड़ा गया भाई, हमने तो गणित लगाया था कमा लिया होगा 10-20-40-50 हज़ार, 1 लाख 2 लाख ऐसे कमाया होगा, लेकिन जब हमने एक्चुअल जब उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखा तो दिमाग हमारा घूम चुका है बाबू। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि इतना पैसा कमाया उतना पैसा कमाया, लेकिन एक्चुअल अगर हम आपको बताएं, ठीक है, तो अगर मैं अपने हिसाब से अगर गणित करता हूँ तो पहले दिन का मैंने बताया था कि 50 से 60 लाख रुपया कमाया होगा, अगर गणित करते हैं, अगर एक सिनेमा हॉल से 10,000 उठाते हैं, मल्टीप्लेक्स से 50,000 उठाते हैं तो इतना कमाया होगा, लेकिन अगर एक्चुअल में समझे हम लोग, ठीक है, तो भैया मूवी ने एकदम गर्दा मचा दिया है भाई। देखिए रिपोर्ट के हिसाब से ये आ रहा है कि जो पहली बार ऐसी कोई मूवी है कि दो दिन के अंदर सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया है, सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया है, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी मूवी आए हैं आज तक इतना कलेक्शन नहीं किया था, रिपोर्ट से ये निकल के आ रहे हैं। हमने कहीं बात किया था, आप सबको बताया कि मेरा पावर जो है केंद्र तक है, सांसद में हम अपना बात रख देता हूँ, तो वहाँ से ये बात निकल के आ रही है कि जितना पैसा कमाया आज तक इतना पैसा दो दिन के अंदर किसी मूवी ने नहीं कमाया है, ये बता रहे हैं। मतलब आप लोग ऐसे समझिए, आज तक जितनी भी भोजपुरी मूवी रिलीज हुआ है कितने 60-70 सिनेमा हॉल में रिलीज हुआ है मैक्सिमम, लेकिन पहली ऐसी मूवी है जो 250+ सिनेमा घर में चल रही है और आधा से ज़्यादा मल्टीप्लेक्स है उसमें, तो ऐसे ही समझ लीजिए कि भैया दो दिन के अंदर जो है सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया होगा। और मेरा ये मानना है, मेरे गणित से तो लगभग 1 करोड़ रुपया पहुँच जाएगा, 50 लाख एक दिन में, 50 लाख एक दिन में, दो दिन में तो 1 करोड़ ना ही रहा है, लेकिन इतना नहीं है, मुझे पता इतना नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की सारी रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है सिर्फ दो दिन के अंदर, इतना कमाई किया है। अब 250 सिनेमा घर से निकाल लीजिए, 10-10 हज़ार रुपया निकालिए तो भी जो 40-50 हज़ार 50 लाख ऐसे ही क्रॉस हो रहा है, तो समझ लीजिए कि मूवी गजब कमाई कर रही है दो दिन के अंदर, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो 60-70 लाख रुपया तो बनते ही हैं, लेकिन ये समझिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है दो दिन के अंदर, ये समझने की ज़रूरत आप सबको है। बाकी आप सबका क्या मानना है कि मूवी कितना कलेक्शन किया कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करना, चल रहा हूँ, नमस्कार।